जब ये बात एनटीए को बताई गई तो एनटीए ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया, लेके आया एनटीए डिनाइज एनी पेपर लीक। पेपर लीक इस देश में हमारा ये दुर्भाग्य है, हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं और हमारे जैसे शिक्षक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक होते हैं, हम अपने बच्चों को इतना तैयार करेंगे कि पेपर लीक होने के बावजूद भी परफॉर्म करें। ये जो सबसे बड़ी एनटीए के साथ प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं, वो मेल करो, आप वीडियो बनाओ, आप ट्वीट करो, कुछ भी करो, कम्युनिकेशन। हमारे देश में कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने वाले के लिए नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकते हैं, और ऐसे पेपर्स के लिए बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं। इनमें से एक ऐसी एग्जाम है जिसका नाम है नीट। ये एग्जाम सबसे टफ मानी जाती है। इस मेडिकल एग्जाम के सेंटर सिर्फ भारत में नहीं लेकिन दूसरे देशों में भी है। अब बात करते हैं 5 मई की, जब लगभग 5 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, लेकिन ऐसे में देश के कई जगहों से नीट के पेपर लीक होने की बात सामने आई। लेकिन अब जब रिजल्ट आए हैं तो बवाल और ज्यादा हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर ऐसे आए हैं जो संभव ही नहीं है, और इसे लेकर परीक्षा एजेंसी जो है जिसका नाम है एनटीए, वो बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, जिस वजह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस एग्जाम को रद्द करने की बात कर रहे हैं। खैर, मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। हमारे चैनल न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस गड़बड़ी का पता कैसे चला। अब 4 जून को लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले थे और इसी शोरगुल में चुपचाप से नीट के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए। अब इस रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबर 720 में से 720 आए, और इनमें से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सेंटर्स और सीक्वेंस एक ही थे, और इसके अलावा एक स्टूडेंट के रिजल्ट की पीडीएफ वायरल हो रही है जिसमें 720 में से उस स्टूडेंट ने 720 नंबर उसे आए हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स की मार्किंग के हिसाब से ऐसे नंबर्स मिलना मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से सवालों के घेरे में है एनटीए जो कि परीक्षा एजेंसी है। चलिए आपको मार्क्स का कलेक्शन समझाते हैं। नीट की परीक्षा में 720 अंकों का पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, और इसमें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। नीट की पेपर में एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक माइनस मार्किंग का कटता है। इसे देखते हुए छात्रा को 716 या 715 अंक मिलने थे, लेकिन फिर भी छात्रा को 719 अंक मिले। रिजल्ट देखते ही देश के कोचिंग संस्थानों और नीट एस्पिरेंट के बीच एनटीए में हुई इस गड़बड़ी पर चर्चाएं जोर पकड़ती नजर आ रही हैं, और अब जगह जगह पर विरोध भी होने लगा है और लोग पेपर लीक का आरोप लगाकर कोर्ट की शरण में जाने लगे हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने इस मुद्दे पर क्या कहा। ये जो सबसे बड़ी एनटीए के साथ प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं, वो मेल करो, आप वीडियो बनाओ, आप ट्वीट करो, कुछ भी करो, कम्युनिकेशन। जब 2 दिन का बवाल जब बहुत बड़ा तो एनटीए का एक छोटा सा प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुछ बच्चों के सेंटर पे समय का नुकसान हो गया था, टाइम लॉस हो गया था, पेपर देर से बटा, गलत पेपर बढ़ गया वगैरह वगैरह। ऐसे बच्चों को हमने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है जो कि एपेक्स कोर्ट के फैसले पे बेस्ड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2018 का है जो कि उन्होंने बोला बस एपेक्स कोर्ट का फैसला है। इस वजह से इस बार कुछ छात्रों के 719 और 718 आए बस, और वो कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट थे, अगर आपने ग्रेस नंबर दिए हैं और ग्रेस नंबर देके 719 718 आए, और ये आपने इतिहास में पहले कहीं नहीं किया है, ये आपके ब्रोशर में मेंशन नहीं है, इसके आप पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि आप ये फैसला ले सकते हो कि नहीं ले सकते। आपने कहा कि हमने खुद अपनी कमेटी बनाई इंटरनल और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन को लिया और रेप्लिकेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट टेक दैट डिसीजन, बिकॉज वो जो डिसीजन है वो क्लैट के एग्जामिनेशन का है। क्लैट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आसान है पता करना किस बच्चे का कितना समय गया, सर्वर में रजिस्टर हो रहा है। ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके 4,750 सेंटर हैं, तो आप कैसे पता करोगे कहाँ पे कितना समय लॉस हुआ? क्या आप इंजुलेटर की बात पे भरोसा कर लोगे? कैसे आप मान लोगे? तो इन्होंने कहा हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं हर सेंटर की। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गांव में एग्जाम होते हैं, टीयर 3 में होते हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज साथ में चल रहे हैं। अब इसके कॉन्ट्रडिक्टरी 5 मई जिस दिन पेपर हुआ है शाम को एनटीए का एक प्रेस रिलीज आया हुआ है 5 मई का है, जिसमें एनटीए ने कहा कि एक सेंटर राजस्थान का सवाई माधोपुर है, वहां पे गलत पेपर बढ़ गए थे, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हमने पेपर शाम को करा दिया। उक्त सेंटर के सिवा भारत के किसी भी सेंटर में बच्चों का ना समय का नुकसान हुआ और शांतिपूर्वक तरह से पेपर हो गए हैं। हवाला क्या दिया कि हम सीसीटीवी फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं अपने कंट्रोल सेंटर से एआई और ह्यूमन दोनों के द्वारा, और हमने ये देखा है कहीं टाइम लॉस नहीं। तो फिर ये अब आप कैसे कह रहे हो टाइम लॉस हुआ? अभी भी ट्रांसपेरेंसी पे एक और बड़ा सवाल उठने वाला है। अगले दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया ग्रेस नंबर। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के।
कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर, कोड, ये सारी चीजें तो एकदम मैच कर रहे हैं। किसी का 168 है लास्ट में, किसी का 178 है, किसी का 186, किसी का 198, मतलब ये चारों बच्चे या तो एक ही रूम में या आसपास के रूम में। इसके सिवा दो तीन बच्चे और थे 333, 405, पास पास। और इसी सेंटर से वो 719, 718 वाला नंबर भी दिखा। अब फिर से सवाल उठा, क्या ये बच्चे कैसे कुछ ऐसा सेटिंग कर रखा है, क्या पैसा दे रखा है? एक ही सेंटर से कैसे छह बच्चों के 720 में से 720 आ सकते हैं हरियाणा के एक झज्जर से? इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने आवाज उठाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे सारी कोशिश की, सब कुछ की। जब इतना प्रेशर बना, एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था, और 1,00,000 बच्चे उसको एक साथ देख रहे थे उस वीडियो को, और वीडियो बहुत शेयर हुआ, तब अगले दिन एनटीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अब बोला कि हमने असल में 1,563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, और उसमें से 6 बच्चों को 720 में से 720 भी दिए हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने माना कि परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और ना ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। और असादुद्दीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। अब देखना होगा कि एनटीए इस पर क्या जवाब देता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।